और ट्राई करते हैं कुछ कंटेंट बनाते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए अगर, और उसी के सहारे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही जाएंगे घर पे विदाउट एनी कंटेंट, विदाउट एनी टाइटल, विदाउट एनी। बस भाई इतना ही, और कुछ नहीं है। ये हार तेरी किस्मत नहीं, बस किस्मत की शुरुआत है। हो जा खड़ा, दिखला दे तू कि तुझ में भी कुछ बात है। चलता रे तू, चलता रे मेहनत की आग में, जलता रे। और ये जो एरिया था, मैं जाते टाइम बोल रहा था शायद इस एरिया के बारे में, आगे पुलिस खड़ी है भाई। क्या करने के लिए खड़ी है? ये ट्रैफिक पुलिस है और ये लोगों को पकड़ने के लिए खड़ी है। तो आगे जो है वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, और मेरे राइट साइड में पुलिस खड़ी थी। बट कोई टेंशन है नहीं वैसे, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो इस एरिया को, यही एरिया, इसी एरिया की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, हालांकि कि भाई ये जो एरिया है ये बहुत सही डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया का। हालांकि अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये मतलब एक खटारा रोड टाइप्स है, फिर ये बहुत ही जल्दी डेवलप कर रहा है। बहुत सही एरिया है और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी डेवलप करेगा। और वो रहा भाई, ये यूं ना यूं गड्डी नहीं मोड़ा कर, बंदा मरी जाता है गड्डी मोड़ने चक स्कीम मुझे। हर बंदे ने यूं करिए गड्डी मोड़ी थी, मैं स्किट मारी चली जाना खले। अब ये क्या है? ओके, आंटी कड्डा दी नहीं ही, मैं कड्डी मारिया, जा रहा नहीं जाना, नहीं जाओ नहीं जान दे भरा दी। जो ऑटो वाले नहीं, ये बड़े दिमाग खराब करते भाई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और अभी भी हम रोड के ऊपर ही हैं और सफ़र अभी भी हमारा चल ही रहा है। आई होप कि ये वाला सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हालांकि ठंडा हवा चल रहा है ज़रूर, पर जो ह्यूमिडिटी फील हो रहा है वो भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला ह्यूमिडिटी फील हो रहा है। और आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, पता नहीं कहाँ से इतना गाड़ियाँ खरीद लेते हैं ये लोग महंगाई के टाइम में। और बस चल रहे हैं हम, चल रहे हैं वो, चल रही है ये, जहाँ ये देखो ये गया बंदा, चला गया वो। हमारे साथ क्या सीन है भाई? आगे जगह ही नहीं है, तेरे को कहाँ लेके छोड़ूँ मैं? निकल जा रहा है लेफ्ट से, जा निकल के मोया, जा यार। ये हो रहा ना लद्दाख ट्रैवल, ये क्या है भाई? लद्दाख से कम नहीं है ये। वाह नाइस ब्रो, मैं भी ऐसे चलाता हूँ तेरे तरफ। ये क्या है भाई? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कीचड़ है या? चलो खत्म हो गया, 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 खत्म हो गया। भाई 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 स्किड मार रहा है, स्किड मार रहा है। चलो आफ्टर ऑल उस घटिया से रास्ते से छुटकारा मिला। हाँ ये कमर दर्द हो गया यार। उफ़ ओह
यार इतना डस्ट नहीं उड़ाओ, कैमरा ख़राब हो जाना मेरा। फिर मैंने कैमरा उठा के मुंह पे मारना, फिर डस्ट उड़ाए जा रहे हैं वहाँ। सो गाइस चलते चलते मुझे एक कुछ याद आ गया कि भाई कभी भी अगर आप रोड पे जा रहे हो तो ध्यान रखना, आगे से चाहे कोई भी लड़का लड़की मेल फीमेल अंकल आंटी कोई भी आए तो भाई पहले रुक जाना है, मतलब पूरा उनको प्रणाम करना है, उनको जाने देना है, और गलती से भी ट्राई नहीं करना है। चाहे भाई हाईवे हो चाहे कुछ भी हो, रोक देना गाड़ी बीच में, ठीक है, सबको जाने देना है। और बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखो भाई फ्लाइंग जेट एक मूवी आई थी जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है, उसके बाद रिलीज़ हुआ था फ्लाइंग स्लैब जिसको लगभग पूरे इंडिया ने देखा है, तो भाई उसको हर कोई कॉपी कर लेगा, तो उससे थोड़ा सा बच के रहो। और आई थिंक मेरे साइड में कोई बंदा है जो कि मुझे चेज़ करना चाहता है, पर मैं उसे चेज़ करने नहीं दूंगा। तो बोल ये रहा था कि कुछ भी कर लो लाइफ में, पर अगर कोई भी रोड के सामने से जा रहा हो तो भाई उसे ओवरटेक नहीं करना। क्या नहीं करना? ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। अगर ओवरटेक गलती से कर भी दिए तो गाड़ी वहीं पर रखना है, बाइक वहीं पर रखना है, और चुपचाप से पैदल ही भाग जाना है वहाँ से, ठीक है ना। पैदल भाग सकते हो तो भाग लो, पर रिस्क मत लो भाई। रिस्क लेने से ना भाई मरोगे, कम से कम थप्पड़ पड़ेंगे मुंह के ऊपर।